फ्रेंड, कोरोना वायरस को लेके इतना ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं, लेकिन इतना भी हल्का में नहीं लेना चाहिए। जो आदमी सोच रहा है 135 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 434 आदमी को संक्रमित पा गया है, तो किस बात का डर है, क्यों इतना टेंशन ले रहा है। लेकिन फ्रेंड, जो आदमी इतना हल्का में ले रहा है, उसके लिए मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ जो जी न्यूज द्वारा रखा गया है, और उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ जे ये जो उसका लापरवाही है ये कितना ज्यादा घातक साबित हो सकते है। फ्रेंड, ये जो यह है, मैं पूरा दुनिया का थोड़ा आंकड़ा आपका सामने रख रहा हूँ जो आज 23 मार्च जी न्यूज द्वारा रखा गया है। फ्रेंड, इधर में आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, इटली में 23 फरवरी सिर्फ 76 आदमी संक्रमित था, और आज 23 मार्च 59,000 हो गया, और मृत्यु फ्रेंड 5,500 का हो गया। अमेरिका में फ्रेंड 23 फरवरी मतलब एक महीने पहले सिर्फ 35 आदमी था, अभी 35,000 हो चुका है, और मौत फ्रेंड आप देख सकते 471 आदमी को मौत हो चुका है। और इधर में फ्रेंड स्पेन में देख सकते 23 फरवरी सिर्फ 2 ही आदमी था, और अभी एक महीने में 33,000 हो चुका है, और मौत का आंकड़ा आप देख सकते 2,000 हो चुका है। और फ्रेंड, जर्मनी का बात करूँ तो 23 फरवरी एक महीने पहले 16 आदमी था, अभी 26,000 हो चुका है, और मौत का आंकड़ा आप इधर में देख सकते फ्रेंड 111 हो चुका है। और अगर ईरान का बात करूँ फ्रेंड, आप देख सकते एक महीने पहले अर्थात 23 फरवरी था सिर्फ 23 आदमी, और अभी फ्रेंड 28,000 हो चुका है, और मौत का आंकड़ा फ्रेंड 1800 हो चुका है। तो फ्रेंड, आज 23 मार्च का जो रिपोर्ट है, अभी इंडिया का 434 संक्रमित आदमी पाया गया है, तो हम लोग भी अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दे तो ये जो आंकड़ा फ्रेंड 4 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे वो जो मैं जो जो देश के बारे में बताया है, उसका जो जनसंख्या है फ्रेंड बहुत ही कम है, और अभी हमारे देश में जो जनसंख्या है फ्रेंड 135 करोड़ है। अगर 135 करोड़ आदमी में अगर फैलने लग जाए तो फ्रेंड बहुत ही दिक्कत होने वाला है, तो पहले से सतर्क रहना चाहिए। ये वायरस जो है फ्रेंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, और वो संक्रमित आदमी जहाँ पे भी टच कर रहे उधर से भी संक्रमित होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड, अभी जो सरकार ने जो कदम उठाए है लॉकडाउन का, तो ये हर आदमी को मान लेना चाहिए मेरा हिसाब से। जितना हो सके घर का अंदर रहोगे तो सेफ रहेगा, खुद सेफ रहोगे, आपका फैमिली आपका देश भी सेफ रहेगा। फ्रेंड, ये जो वायरस है इससे बचने का कोई तरीका भी है, लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले तो और एक आंकड़ा आपका सामने रखना चाहता हूँ, जो किस किस को आदमी को कितना उम्र वाला आदमी को मत ज़्यादा हो रहा है, और कौन कौन सा आदमी थोड़ा बहुत सेफ है जिसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको फिर से पहले जैसा हो पाएगा। तो फ्रेंड, डिस्प्ले में देखना कौन सा उम्र का वाले आदमी को बचने का चांसेस कितना ज़्यादा है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं 10 से 19 साल तक का मृत्यु जो हार है वो 0.2% है, एंड 20 से 29 साल तक वही एक ही है 0.2% है, एंड 30 से 39 तक 0.2% मृत्यु हार है। फ्रेंड, बचने का चांसेस नहीं है, मृत्यु हार बता रहा हूँ मैं। और 50 से 49 साल तक 0.4% है, एंड 50 से 59 तक फ्रेंड 1.3% है, एंड 60 से 69 तक फ्रेंड 3.6% है, एंड 70 से 79 तक फ्रेंड 8% है, एंड 80 प्लस में फ्रेंड 14-15% है। मतलब आप देख सकते हैं जितना उम्र ज़्यादा है उसको ट्रीटमेंट होने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि दूसरा बीमार भी उस टाइम पे लग जाते हैं, तो इतना आसानी से नहीं झेल पाते। तो उम्र अगर कम रहे तो इसका जो बचने का चांसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड, उम्र अगर 1 से 50 साल तक का अंदर रहे तो 100 आदमी अगर संक्रमित हो तो उसका अंदर से एक आदमी को भी मौत नहीं होते, बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपका उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा खतरा हो सकते। तो फ्रेंड, जो आदमी सोच रहा है मेरा उम्र तो 50 साल से कम है और मैं तो यंग हूँ, तो ये जो वायरस है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फ्रेंड उसके लिए मैं और एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। फ्रेंड, जैसे दूसरा देश के बारे में मैं बताया जो आंकड़ा कितना जल्दी बढ़ रहा है, और हमारा तो वो जो देश है उसका जनसंख्या फ्रेंड हमारा देश का हिसाब से बहुत ही कम है।
फिर भी आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया। मान लो अभी हमारे देश में सिर्फ 434 आदमी पीड़ित हो चुका है, लेकिन मान लो इधर में अगर हम लोग ऐसे लापरवाह करते रहे और हमारे देश में भी ऐसे बढ़ते गया और संक्रमण ज्यादा से ज्यादा होना चालू हो गया। मान लो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वहाँ पे एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, मान लो 50,000 का कैपेसिटी है, मतलब 50,000 जो पेशेंट है उसको एडमिट कर सकते, लेकिन अगर आपका जो आंकड़ा है कोरोना वायरस का आंकड़ा अगर मान लो 2-3 लाख 4-5 लाख आदमी तक चला जाए तो ये कंट्रोल नहीं होगा, तो 50,000 आदमी को ट्रीटमेंट होगा और बाकी लोग किधर जाएगा? वो अगर यंग होगा, फिर बुढ़ा होगा, फिर उसका बच्चा होगा, तो भी फ्रेंड ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट ना करके आप यंग हो फिर बच्चा हो अब तो ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये आंकड़ा जो है फ्रेंड ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आंकड़ा लिमिट में रहेगा तो ट्रीटमेंट करके आदमी बच सकते, 50 साल का अगर कम रहे तो उसको बचने का चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा अगर हम लोगों का लापरवाही की वजह से अगर ज़्यादा होते गया तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों का एडमिट के लिए भी फ्रेंड बेड नहीं बचेगा, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। और फ्रेंड मैं बताया था बचने का कोई तरीका भी आपको बताऊंगा। फ्रेंड ये जो वायरस है ये थोड़ा बड़ा साइज का, ये हवा में नहीं फैल सकते और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो संक्रमित हो चुका है तो उससे ही दूसरा आदमी को जा रहा है, फिर वो आदमी बाजार में फिर मॉल में कहाँ पे भी जा रहा है, वहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे भी ये वायरस हो रहा है। तो आप अच्छा रहे फ्रेंड, वो जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है सरकार जो अच्छा कदम उठाए, आप घर पे ही रहे, आप जरूरत छोड़ के कोई वहाँ पे बाहर मत निकलना, क्योंकि वो वायरस बाहर से ही आ रहा है, आप घर पे रहोगे तो ज़्यादातर फ्रेंड सेफ रहोगे। ये वायरस फ्रेंड जब तक हमारा नाक से मुंह से आँख से अंदर नहीं घुस पाएगा तब तक ये वायरस फ्रेंड कोई नुकसान नहीं कर सकते। तो अंदर कैसे जा सकते? एक तो हम लोग जो दोनों हाथ से जो खाना खाते हैं फिर बार बार हाथ मुंह में नाक में आँख में लगाते, उसका वजह से फ्रेंड हमारा हाथ में लग के फिर मुंह में नाक में आँख में जा सकते। और दूसरा बात है फ्रेंड, कोई आदमी ऐसे संक्रमित आदमी अगर सामने आ जाए और वो सामने आके कोई खांसी मार दे फिर वो हवा से हमारा अंदर भी जा सकते, तो संभाल के रहना फ्रेंड। ऐसा कोई आदमी अगर देखे जैसे सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो उससे ज़रा दूरी रखना और बार बार अपना हाथ आँख में मुँह में मत डालना। अगर बाहर कहाँ पे भी टच कर रहा है फिर आपको थोड़ा सा भी हिचक लग रहा है तो बार बार आपका हाथ धोते रहना और जितना हो सके फ्रेंड घर का अंदर ही रहना। आप खुद बचना, आपका फैमिली का रिश्तेदार को एंड आपका जो देश है उसका बचाने का जिम्मेदारी भी आपका ऊपर है। और फ्रेंड हमेशा इसका लेके चर्चा करते रहना, आपका रिश्तेदार पड़ोसी जो भी मिले उसका साथ भी थोड़ा बातचीत करते रहना। सर्दी खांसी बुखार से ज़रा दूरियाँ बनाए रखना और अगर आपको भी ऐसा कोई सिम्टम लगे तो ज़रूर सरकारी अस्पताल में जाके आपको चेकअप करा लेना। और ये वीडियो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सबको पास तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबको ये जानकारी मिलना चाहिए, तो आप सेफ रहेगा तो आप भी सेफ रहोगे। अगर आपको लेटेस्ट कोई भी कोरोना वायरस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा मैं इसका अपडेट देते रहूँगा। अच्छा रहना, नमस्कार।